साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे डी वार्ड जो है साथियों एक यूनानी मेडिसिन है। साथियों जैसा कि हमारे पास इसका बॉक्स है, ये जो है साथियों यूनानी मेडिसिन है। ये देलीवली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, देलीवली फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये प्रोडक्ट है, देलीवली नेचुरल डी वार्ड कैप्सूल। दिस इज एन यूनानी मेडिसिन टू ट्रीट डाइजेस्टिव एंड लीवर अलाइनमेंट्स। साथियों ये डाइजेस्टिव और लीवर की समस्या के लिए होती है। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की, साथ ही साथ यूजेस की बात करेंगे, प्रिकॉशन की बात करेंगे, डोज की बात करेंगे एंड इंग्रेडिएंट ऑफ डी वार्ड की बात करेंगे, MRP की बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले यूजेस एंड डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले जानेंगे दिस इज यूनानी नेचुरल हर्बल मेडिसिन। ये जो है यूनानी है, इसमें किसी तरह का विकार और साइड इफेक्ट नहीं होता है। साथियों ट्रीटमेंट फॉर डाइजेस्टिव एंड लीवर प्रॉब्लम्स, ये डाइजेस्टिव समस्या को दूर करता है और लीवर में कोई विकार होता है उसको दूर करता है। डी वार्ड कैप्सूल यूज इन जर्नल वीकनेस। साथियों ये क्या होता है कि जैसे जो है जर्नल वीकनेस हो जाती है पर्सन को और भूख की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, एंड लीवर प्रॉब्लम एंड स्प्लीन प्रॉब्लम एंड साथ ही साथ इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर, तो उसकी जो है समस्या को दूर करने के लिए इस दवाई का सेवन किया जाता है। और जिस भी मरीज को जॉइंटिस हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है, तो उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है और बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसका रिस्पांस साथियों बहुत अच्छा है। साथियों ये एनोरेक्सिया एंड इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्वेलिंग ऑफ स्टमक, ये इस पेट के अंदर जो सूजन हो जाती है एंड लीवर में एक बीमारी होती है चिरोसिस हो जाता लीवर हो जाता है और स्लगी लीवर हो जाता है, साथ ही साथ गैस्ट्राइटिस हो जाती है। अगर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी आंत के अंदर सूजन हो जाता है और स्टमक में सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक उसके विकार के लिए है एंड साथ ही साथ विलिंग ऑफ यूट्रस और यूट्रस को जो है ये मजबूत बनाता है और लीवर की जो है फंक्शन को इंक्रीज करता है एंड स्प्लीन के फंक्शन को इंक्रीज करता है और जो लीवर डिसफंक्शन होता है उसको नॉर्मल उसमें लाता है और ये जो है भूख की कमी को दूर करता है। जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, जिनको भूख नहीं लगती है वो अगर रोगी इसको लेंगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा। साथियों इसके अंदर 30 कैप्सूल्स हैं जो हमारे पास कंटेनर है। डी वार्ड कैप्सूल एक यूनानी पद्धति से बनाई हुई दवाई है। इसमें 30x3 स्टिप का ये बॉक्स है, इसके अंदर टैबलेट्स हैं। साथियों ये देलीवली नेचुरल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है दिल्ली की, उसका ये प्रोडक्ट है। डोज इसमें 1 या 2 कैप्सूल विद वाटर आफ्टर मील, स्टोर इन ड्राई एंड कूल प्लेस इस पे लिखा है। तो साथियों डिस्क्रिप्शन और यूजेस की बात हो गई, प्रिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। साथियों कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, ये बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेसेस एंड क्लोज मेडिसिन कैप टाइट आफ्टर इम्पटी यूज, जब इसकी स्ट्रिप से निकालते हैं तो इसको जो है बॉक्स के अंदर रखें, ना कि स्ट्रिप को बाहर रख दें, तो उससे क्या होता है किसी तरह का मॉइस्चर जो है मेडिसिन नहीं ऑब्जर्व करती है और उससे जो है पोटेंसी वैसे बनी रहती है। कीप द मेडिसिन इन ओरिजिनल पैक और कंटेनर, और इसको ओरिजिनल ये नहीं कि इसके स्ट्रिप से सारे कैप्सूल निकाल के किसी कंटेनर में भर दें, ऐसा कदापि ना करें। साथियों डोज की बात करेंगे, 1 or 2 कैप्सूल टू बी टेकन विद 60 ईच अर्क बदियान। साथियों एक अर्क बदियान होता है, वाइट लिक्विड होता है, उसके साथ लेंगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा, अदरवाइज इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। साथियों डॉक्टर अपने विवेक से इसका डोज एडजस्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लीवर की तो 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को आप ले सकते हैं, अदरवाइज 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को लेंगे तो बहुत जल्दी ही फायदा मिलेगा। साथियों 30 कैप्सूल की जो MRP है 174 है फॉर 30 कैप्सूल्स। साथियों साथ ही साथ इसके जो है इंग्रेडिएंट की बात करेंगे डी वार्ड कैप्सूल की, तो इसमें बलचर मिला हुआ है, मस्तंग मिला है, जफरान मिला है, तबासीर मिला है, दरचीनी मिला है, इजखर मक्की मिला है, अस्करून मिला है एंड क्विस्ट सिरीन मिला है। तो इस तरह से बहुत सी दवाइयों का इसमें मिश्रण है एंड ल्यूक मगसूल एंड तुकमी खसनी तुकमी करफ्स जरा विंद तुइल एंड हब्बे बेसिन एंड गर्की इस तरह से साथियों एंड गुले सुर्ख, इस तरह से बहुत सी चीज़ों का इसमें मिश्रण किया गया है, बहुत ही लाभकारी ये मेडिसिन है। साथियों
तो साथियों किसी तरह की क्वेरी है आप हमें कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।